हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल के लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्मी पब्लिक स्कूल CSB 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रहने वाला है। इससे पहले मैंने जुलाई अगस्त वाले वीडियोज़ को डाल दिया, प्लीज़ जाकर उन अपलोडेड वीडियोज़ को देख ले। कहाँ से देखोगे कहीं नहीं पता चल रहा है, चैनल के प्लेलिस्ट पे आप जाकर ढूंढ सकते हो उन वीडियोज़ को, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ जाकर सारे वीडियोज़ को जरूर चेकआउट कर ले, क्या पता यहाँ से क्वेश्चन आए और आप मिस ना कर जाओ। चलिए शुरुआत करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए बीच में कोई एड ब्रेक नहीं, कुछ नहीं आएगा। देखिए एग्जाम में मुश्किल से जो है 14 दिनों का समय बचा हुआ है, 14 डेज का, और आखिरी 14 डेज बहुत ही क्रूशियल है। इधर उधर की चीज़ों को नहीं देखना है। मैं आपको बता दूं ये लास्ट 14 डेज है, इसलिए नोट्स की प्राइस को 100 रुपीज और कम कर दिया गया है, और ये आखिरी जो है इसका जो है डिडक्शन है, इसके बाद रिड्यूस प्राइस नहीं की जाएगी। 399 में आप मेरे हैंड रिटन नोट्स एक्वायर कर सकते हो, सिंस टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो 399 रुपये में आप मेरे हैंड रिटन नोट्स को ले सकते हो, क्योंकि मैंने आर्मी स्कूल 3 टाइम्स क्वालिफाई करा है, जो कि इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे मैंने नोट्स में तैयार किए हैं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो, इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। तो चलिए शुरुआत करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। विच कंट्री होस्टेड आशियान कंट्रीज कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, बात आ रही है ट्रेडिशनल मेडिसिन की, क्लियर हो गई बात। और इंडिया, आपको पता ही आयुर्वेद का बहुत बड़ा जो है गुरु रहा है, शुरू से ही हमारे कंट्री में आयुर्वेद को बहुत प्रमोट किया गया था, राजा महाराजाओं को वैद्य के द्वारा जो है ट्रीटमेंट दी जाती थी। फिलहाल इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इंडिया इज द राइट आंसर। देखिए अब बात आती है यहाँ पे, देखो एक जब भी आप क्वेश्चन देखो ना, तो आपको क्वेश्चन में बहुत सारे जो है टर्म दिखने चाहिए। वो एक बात बोली जाती है ना, क्वेश्चन कौन पूछ रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन पूछने का तरीका और क्वेश्चन का लेवल जिस तरह से आप पूछते हो उससे आपकी इंटेलिजेंस का जो है पता चलता है। बाय द वे एशिया आसियान जो कंट्री है इसमें टोटल 10 कंट्री है, जल्दी ही 11वां भी इसमें ऐड होने वाला है, बट टोटल इसमें 10 कंट्रीज आपको मिलेगा। और मैं आपको एक निमोनिक्स बता देता हूं जैसे आप इसे याद कर पाओ, गूगल पे जाके ढूंढिए टोटल 10 कंट्रीज कौन कौन है, उनका शॉर्ट फॉर्म मैं आपको बता देता हूं, MBBS आप याद रखोगे, उसके बाद है इन, उसके बाद आप याद रख लेना प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद आप याद रख लेना कॉलेज। तो इससे जो है आप एक्रोनिम से जो है इसे अब जो 10 कंट्रीज है उसे आप जाकर देखोगे, आपको पता चल जाएगा कि ये MBBS का क्या मतलब है, इनका क्या मतलब है, PBT का क्या मतलब है, लिमिटेड का क्या मतलब है, आप निकाल पाओगे। फिलहाल राइट आंसर ए होगा और आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीलगिरी रिफाइनरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, देखिए मुझे थोड़ी सी सर्दी है एंड अभी जो टंग के ऊपर जस्ट टॉप पे जो वुंड हुआ है वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है, तो सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत आती है या मैं बीच में छींक देता हूं तो सॉरी फॉर दैट। फिलहाल पूछा गया है कि नुमलाईगिरी रिफाइनरी जो है किस स्टेट में है, तो इसका सही जवाब देखो आसाम होगा, आसाम में ये आपको मिलेगा। और याद रखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस निकालती है वो इस कंट्री इस जो रिफाइनरी है इसे जल्द ही जो है नंबर 1 नवरत्न पे जो है ऐड कर लेगी। नवरत्न कंपनियां उसे कहा जाता है जो बहुत अच्छा प्रॉफिट देती हो, शेयर मार्केट वगैरह में देखना ये जो है नवरत्न कंपनी के ऊपर इसके शेयर बहुत अधिक प्राइस में बिकते हैं। और सबसे ओल्ड रिफाइनरी की बात की जाए, अगर इंडिया की सबसे ओल्ड रिफाइनरी कौन है, तो याद रखिएगा सबसे ओल्ड रिफाइनरी जो है उसका नाम क्या है, डिगबोई, याद रखिएगा डिगबोई, जो कि कहाँ है वो भी आसाम में ही है, वो भी कहाँ है आसाम में ही है, इस बात को याद रखिएगा। मैं आपको रिलेटेड GK भी पढ़ा रहा हूँ, स्टैटिक्स GK जो है ऐड हो रहा है आपका। आगे देखते हैं कुई लैंग्वेज जो है किस स्टेट में जो है बोला जाता है, और ये भी हाल में ही बहुत न्यूज़ में था, इसका रीज़न क्या है। देखो इसे जो है उड़ीसा गवर्नमेंट ने, यहाँ देखो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने कहा कि सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट आप बोलो, 8th शेड्यूल में जो है इसे आप शामिल करो। इसे जो है उड़ीसा गवर्नमेंट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो 8th शेड्यूल में इसे जो है ऐड कर लीजिए। अब आप लोगों से मैं सवाल पूछूंगा, 8th शेड्यूल में टोटल कितने लैंग्वेज हैं, नीचे कमेंट करके आप लोग बताओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखो मुकुर्ति नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, किस शहर में, किस स्टेट में लोकेटेड है, तो देखिए इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है स्टालिन वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा पहली बात। दूसरी बात नीलगिरी जो यहाँ पे नीलगिरी है वहाँ पे आपको ये मिलेगा, और नीलगिरी थार जो है ये क्या है, इसकी पॉचिंग बहुत होती है, यानी कि जो है इन्हें हंट किया जाता है, मारा जाता है, इसलिए ये जो मुकुर्ति नेशनल पार्क है ये
न्यूज में है, क्योंकि यहाँ पे जो है पॉचिंग की जा रही है, जानवरों को मारा जा रहा है, इसलिए जो नीलगिरी थार है जो कि बहुत जल्द इंडेंजर्ड हो जाएगा, इसे बचाने की रवायत है, कवायत है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI की बात हो रही है, ये जो है 2023 रिलीज किया गया है। आपको बस ये बताना है किसके द्वारा ये रिलीज किया गया है, किस इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो उसका नाम है UNDP, आई रिपीट UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। फुल फॉर्म आप लोग जो है नोटबुक में लिख लीजिए, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इस संस्थान ने बताया है कि टोटल जो है कितने लोग यहाँ पे, देखो मैं आपको बता देता हूँ, 41 मिलियन लोग जो है यहाँ से पॉवर्टी से आउट हो चुके हैं, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। इंडिया में कितने लोग आउट हुए हैं, तो 230 मिलियन खुद इंडिया में जो है पॉवर्टी से बाहर निकल चुके हैं लोग, याद रखिएगा। और अगर टोटल वर्ल्ड में अभी कितने लोग जो है अभी भी जो है पॉवर्टी लाइन से खराब स्थिति में गुजर रहे हैं, तो 1.1 बिलियन लोग। क्लियर होगी बातें। आगे देखिए, विच कंट्री होल्ड्स टाइटल फॉर द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन 2023। अलग अलग जो है क्राइटेरिया को यहाँ पे देखा जाता है कि किसके पास कितने वेपन हैं, परमाणु वेपन हैं, कितने टैंक्स हैं, मिसाइल्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग, उसके बाद जो है पावरफुल मिलिट्री का जो है इसे देखा जाता है। साथ में नेवल किसके पास बहुत सारा है, किसके पास बहुत सारी पनडुब्बियाँ हैं, सबमरीन्स हैं, ये सब चीज़ों को देखा जाता है। नौसेना, थल सेना, वायुसेना, सभी चीज़ों को देख कर, और कितनी उसमें रिक्रूटमेंट है, कितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी पेंशन कितनी दी जाती है, कितनी फैसिलिटीज़ दी जाती है। तो पावरफुल मिलिट्री जो है सबसे ज़्यादा बड़ी मिलिट्री अभी भी USA की नंबर वन पे है, याद रखिएगा। सेकेंड नंबर पे कौन है, रसिया अभी भी सेकेंड नंबर पे होल्ड करता है। तीसरे नंबर पे कौन है, चाइना, चाइना तीसरे नंबर पे है। अब आप पूछोगे इंडिया कहाँ है, तो इंडिया ठीक इसके बाद चौथे नंबर पे इंडिया जो है, और इसीलिए इंडिया की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में। हम लोग मिलिट्री में भी ठीक कर रहे हैं, नए स्टार्टअप्स में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। What is the name of India's first regional AI news anchor? यानी कि artificial, ऐसा समझ लो आप जैसे कि artificial robot ही अगर आपसे बात करे या फिर robot news पढ़कर सुनाए तो कैसा लगेगा। तो artificial intelligence इतना आगे बढ़ चुका है कि उड़िया TV, जो कि उड़ीसा की एक TV है, वहाँ पे तीशा नाम की एक न्यूज़ एंकर रही है, वो रॉबोट रही है, AI न्यूज़ एंकर रही है, जिसने जो है ये न्यूज़ लिसा जो है उन्होंने न्यूज़ पढ़ा, और आपको कहीं से भी जो है आप इसे देख नहीं पाओगे। आप जो है एक काम करो, YouTube में जाकर ये वीडियो जब खत्म हो जाए देख लेना, और आपको याद रह जाएगा कि लिसा AI न्यूज़ एंकर आपको जो है वीडियोस मिल जाएगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इंडिया वॉन हाउ मेनी मेडल्स एट 2023 वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप। 2023 जो वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप हुई है वो कहाँ हुई, सबसे पहली बात तो याद रखिएगा, आयरलैंड में। कहाँ हुई है ये, आयरलैंड में हुआ है, अच्छी बात है। चलिए ये तो आपने होस्ट कंट्री का नाम जान लिया। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीता, यहाँ पे टोटल मेडल किसने, इंडिया ने सबसे पहले देखो 11 मेडल जीता है, ये तो क्लियर हो गया बात। अब बात आती है कि टॉप पे कौन रहा, तो टॉप पे देखिए साउथ कोरिया रहा था, और साउथ कोरिया ने टोटल 6 गोल्ड मेडल जीते। अब बात आते हैं सेकेंड नंबर पे, तो सेकेंड नंबर पे था इंडिया, इंडिया ने टोटल 6 गोल्ड मेडल जीते हैं, और यूएसए ने जो है यहाँ पे टोटल 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। अब आप बोलोगे कि यहाँ भी छः, तो इंडिया दूसरे नंबर पे क्यों है, क्योंकि साउथ कोरिया ने फिर सिल्वर मेडल इंडिया से ज़्यादा जीता है, इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जो है उससे ज़्यादा जीता था, इसीलिए जो है ये रैंकिंग पहले नंबर पे साउथ कोरिया, दूसरे नंबर पे इंडिया, तीसरे नंबर पे USA। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज द इंडियाज फर्स्ट PSU टू अचीव एंटी ब्रेवरी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट। अब बात आती है कि किस कंपनी को ये सर्टिफिकेट दिया गया है, तो देखिए ये सर्टिफिकेट दिया गया है ONGC, फुल फॉर्म आप नीचे कमेंट करके बताओगे। ONGC जो है ये 1956 में स्टेब्लिश हुआ था, यह मैं आपको बता दूं, 1956 में ये स्टेब्लिश हुआ है। इसकी जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली, कहाँ है, न्यू दिल्ली इसकी हेडक्वार्टर है, और इसके अभी के जो चेयरपर्सन है उनका नाम है अजय कुमार सिंह, एग्जाम में शायद पूछा जा सकता है, अजय कुमार सिंह इनका नाम है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 70। विच कंपनी हैज वॉन द 34th इंटरनेशनल बायोलॉजिकल ओलंपियाड। देखिए बायोलॉजी की जो ओलंपियाड हुई है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, इसे किसने जीता है, प्राउड फील कीजिए, इंडिया ने इसे जीता है। और जो नाम याद रखने हैं आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन लोगों ने, ये ध्रुव आडवाणी नाम याद रखिए, नंबर वन पे इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता था। दूसरे नंबर पे कौन थे, ईशान, इनका नाम जो है ईशान पेंडेकर, इन्होंने जो है सेकंड नंबर पे, पेंडेकर में लिख देता हूँ। और तीसरे नंबर पे जिन्होंने गोल्ड मेडल जिताया, रोहित पांडा, इन्होंने जो है गोल्ड मेडल इंडिया के लिए जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ से देखो अगला सवाल है, देखिए इडेगर
इनका नाम है, ये प्रेसिडेंट हैं किस कंट्री के, तो देखिए ये प्रेसिडेंट हैं लातविया के, और इन्होंने जो है ओपनली पूरे दुनिया के सामने अपने सेक्सुअलिटी को पहचाना है, यानी कि सेक्सुअलिटी इन्होंने कहा कि ना मैं मेल हूँ ना फीमेल हूँ, मैं गे हूँ, और इन्होंने जो ओपनली ये बातें सबके सामने कही कि मैं गे हूँ, और उसके बाद जो इलेक्शन ये जीत गए हैं। बहुत अच्छी बात है, किसी की आइडेंटिटीज़ को लेकर किसी को टारगेट करना बहुत ही बुरी बात है, ये अच्छी बात है कि लोग जो है इस मामले में बात कर रहे हैं, दैट्स गुड। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इंडिया कंडक्टेड ऑपरेशन बॉर्डर स्वाड विथ विच कंट्री। देखिए सबसे पहले ये जो ऑपरेशन बॉर्डर स्वाड है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो बॉर्डर के माध्यम से अलग अलग तरह के केमिकल वेपन या फिर जो पैरासूटिकल कंपनीज जो है अलग अलग दवाइयां बेच रही है जो नशे के काम में आती है, अलग अलग तरह के चीज़ों को डिटेक्ट करना, उसे पकड़ना, ये काम किया जा रहा है। इंडिया किसके साथ कर रहा है, तो ये यूएसए के साथ हम लोग कर रहे हैं। एक्चुअली पाकिस्तान से जो है बहुत सारे इल्लीगल चीज़ों को यहाँ पे लाया जाता है, सेम विथ नेपाल, नेपाल बॉर्डर से भी ये बहुत सारी चीज़ें होती है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, बांग्लादेश से भी होती है। विच सिटी होस्टेड अर्बन 20। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, G20 वाली वीडियो जाकर आप खोज कर देख लो, बहुत ही काम की है, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछेगा। वहाँ पे देखो WTO, यहाँ तो आप UTO देख रहे हो, यानी कि U20 अर्बन 20 है, वुमेन 20 है, उसके बाद स्टार्टअप 20 है, यूथ 20 है, मैंने सारे एक एक पॉइंट को जो है G20 वाले वीडियोज़ में समझा रखा है, प्लीज़ जाकर देख लो। ट्रायका किसे कहते हैं, ट्रायका देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो G20 है अभी, तो G20 एक्चुअली अभी G21 बन चुका है, इसमें जो है अफ्रीकन यूनियन को इंडिया ने शामिल करवा दिया है। अफ्रीकन यूनियन में जितने भी कंट्री हैं वो शामिल हो चुके हैं। इससे पहले एक और यूनियन शामिल है इसमें, जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन, याद रखिएगा यूरोपियन यूनियन भी इसमें शामिल है, और अब जो है अफ्रीकन यूनियन भी इसमें शामिल हो चुका है। तो टोटल अब ये G20 G21 बन चुका है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं ट्रायका की, तो देखिए इससे पहले इंडिया से पहले कौन होस्ट कंट्री था, इंडिया से पहले इंडोनेशिया था, इंडोनेशिया के बाद इंडिया जो है करंट होस्ट अभी रह चुका है, इसके बाद जो है ब्राज़ील जो है इसे होस्ट करेगा, तो ट्रायका इसे ही कहते हैं। देखिए तीनों मिलकर जो है डिसीजन मेकिंग का जो है चांस लेती है, ताकि जो भी चीज़ें हो सिर्फ ऑन द पेपर ना रहे। इंडोनेशिया से इंडिया बात करेगा कि अगला जो समिट का जो थीम है वो क्या होना चाहिए, लोग किस मैटर पे बात करेंगे, ब्राज़ील भी इसमें शामिल है, तो ये ट्रायका इसे कहते हैं, इंडिया इंडोनेशिया ब्राज़ील मिलकर ट्रायका बनाते हैं। तो फिलहाल U20 जो है वो कहाँ पे किया गया है, तो इसका सही जवाब है अहमदाबाद में ये किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, रिसेंटली इंडियन साइंटिस्ट डिस्कवर्ड जायंट ग्रेविटी हॉल। देखिए जायंट ग्रेविटी हॉल क्या होता है, वैसा हॉल जहाँ पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ग्रेविटेशनल पोल जो है लोअर पोजिशन पे हो, सबसे लोअर पोजिशन पे हो, उसे ये कहा जाता है। अच्छी बात है, ये आपने समझ ली। अब ये हुआ कहाँ था, ये आपको जो है ये वेट मिनट, ये इंडियन ओशियन में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हो गई बात है, ये जो ग्रेविटेशनल होल है जायंट ग्रेविटेशनल होल, ये इसके बारे में बात किसने करी, तो याद रखिएगा ISE बेंगलुरु ने इसके बारे में बात करी है, वहां के लोगों ने जो है इस पे बातचीत करी है, रिसर्च उन्हीं लोगों ने किया है। विच कंट्री लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नेम्ड ओपनली क्लीन। देखिए चाइना कहाँ है, ढूंढो इसे, चाइना बहुत आगे बढ़ रहा है कंप्यूटर के क्षेत्र में, और हम लोगों को जेलस फील नहीं होना है, हम लोगों को जो है चाइना के साथ आगे बढ़ना, नहीं तो चाइना हमें दबा देगा। और चाइना के बारे में एक और बात, चाइना की कैपिटल बीजिंग है, आपको भी पता है, सारे लोगों को पता है, अच्छी बात है, लेकिन चाइना की करेंसी का नाम क्या है आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग जो है सचमुच में जेन जो है प्रिपरेशन को अच्छे लेवल पे लेकर जा रहे हैं। हु इज द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल कलर्स ऑफ डिवोशन, बहुत इंपॉर्टेंट VVI, आप इसे लिख लो, ये एग्जाम में शायद आ ही जाए। चेतन भगत, शरद सिन्हा, पंकज आडवाणी, कोई नहीं, इसका सही जवाब है अनिता भारत शाह, याद रखिएगा इन्होंने ये बुक लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। श्रावणी मेला, ये बहुत ही बड़ी बात है, कौन कौन श्रावणी मेला आया मुझे नहीं पता, मैं खुद इसी सिटी से बिलोंग करता हूं जहां से ये श्रावणी मेला हुआ है, और झारखंड में देवघर, बाबा धाम देवघर के नाम से ये फेमस है। मोदी जी भी यहां रिसेंटली विजिट किया था उन्होंने, और यहां पे एयरपोर्ट का जो है निर्माण किया गया है। देवघर में जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जो है देवघर में भी है, आप लोग जरूर यहाँ पे आइए, जो टूरिज्म है रीजनल टूरिज्म वो आप जरूर करें यहाँ पे, आपको यहाँ बासुकीनाथ भी मिलेगा, जो अलग अलग मंदिर हैं, और हाल में ही कभी एक वेब सीरीज भी आई थी, वेब सीरीज का नाम मैं भूल रहा हूँ, वहाँ पे देवघर के बारे में बहुत सारे, नंदन पहाड़, देवघर के जो अलग अलग रीजन हैं उसके बारे में इन्होंने बहुत, वो चंदन महतो एक विलेन था इस मूवी का, वेब सीरीज का, वहाँ पे नीरज पांडे ने इसे डायरेक्ट किया था। आप लोग अगर कमेंट करके बता दोगे वो सीरीज का नाम क्या था, आई रियली डोंट रिमेंबर दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हु बिकम द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंक, बैंकों का बैंक कहा जाता है, ठीक है, बैंकों का पापा आप इसे समझ सकते हो, अच्छी बात है। ये कब स्टैब्लिश हुआ था, मैं पिछले बहुत सारे वीडियोज में भी पूछ चुका हूँ। तो देखिए, हम लोगों का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल को शुरू होता है। इसका रीजन क्या है कि आरबीआई जो है 1 अप्रैल 1935 को ही जो है स्टैब्लिश हुआ था। अभी इसके करंट गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, इनको जो है बेस्ट गवर्नर का भी अवार्ड मिल चुका है, अच्छी बात है, ये मैंने बता दी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको, मुंबई में मिलेगा। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, तो देखिए वासुदेवन, यानी कि ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। इंडिया कंडक्टेड सेल्वेक्स एक्सरसाइज, किस कंट्री के साथ हम लोगों ने ये एक्सरसाइज कंडक्ट करा है, तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कहाँ है, यूएसए, ये रहा ऑप्शन नंबर बी में, यूएसए में आपको मिलेगा। और ये एक्सरसाइज कहाँ पे कंडक्ट कराया गया है, कोची में। देखो एक एक्सरसाइज के बारे में आर्मी स्कूल के एग्जाम में तो आप रखो ही कि ये पूछा ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच अर्बन बॉडी बिकम द फर्स्ट अर्बन बॉडी इन कंट्री टू गेट ईपीआर क्रेडिट। ईपीआर क्रेडिट की बात हो रही है, ईपीआर क्रेडिट जो है किसे दिया गया है, बड़ा ही आसान सा सवाल है। इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और सबसे क्लीनेस्ट सिटी के बारे में पूछा जाए कि सबसे क्लीन सिटी कौन है, इंदौर ही आपका जवाब होना चाहिए। इंदौर जो है बहुत साफ सुथरा है, बहुत प्राउड फील करेंगे एमपी वाले कि उनका शहर जो है नंबर वन पे बहुत सालों से डोमिनेट कर रहा है इस लिस्ट को। याद रखिएगा इनको ये जो ईपीआर क्रेडिट है ये क्यों दिया गया, ये भी जान लो आप। ईपीआर जो सिंगल यूज प्लास्टिक है ना, जो आप सब्जी वगैरह ले लेते हो या फिर सामान जो है किसी मिठाई दुकान से आप मिठाइयाँ वगैरह खरीदते हो, परचेस करते हो, तो ये सिंगल यूज प्लास्टिक को जो है अच्छे से डिकम्पोज कर रहे हैं, उस अच्छे से जो है इसे रिसाइकल कर रहे हैं, कौन, इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। इसलिए इनको ईपीआर क्रेडिट के लिए जो है इनको फर्स्ट अर्बन बॉडी दिया गया है। विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाइएस्ट माइक्रो लैंडिंग बोरोइंग, यानी कि उधार लेने के मामले में जो छोटे छोटे लोन होते हैं। देखो सबसे पहले आप ये समझ लो माइक्रो लैंडिंग मतलब क्या होता है, स्मॉल लोन, जैसे कि किसी ने स्मार्टफोन लेने के लिए 2,000-20,000 रुपए जो है क्रेडिट पे ले लिया, या सपोज कर लो कि आपको छोटा सा काम आ गया तो आपने 50-60,000 रुपए लोन पे ले लिया, तो स्मॉल लोन को जो है ये सबसे नंबर वन पे कौन है, कहाँ के लोग सबसे ज्यादा लोन ले रहे हैं, बिहार के लोग। नंबर दूसरे पे जो आएगा वो आएगा कौन सा स्टेट, तमिलनाडु, नंबर टू पे है ये, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। कुछ और बातें मैं आपको बता दूं, बिहार के लोगों ने कितना लोन ले रखा है, माइक्रो लोन की अगर मैं बात करूं, स्मॉल लोन की बात करूं, तो 48900 करोड़ इतने रुपए का लोन इन्होंने ले रखा है, और तमिलनाडु जो है इसके बाद आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियाज फर्स्ट कॉपरेटिव रन सैनिक स्कूल विल बी बिल्ड इन विच स्टेट। कॉपरेटिव समझ रहे हो, यानी कि ये पब्लिक जो है इसमें भी, जो प्राइवेट पार्टीज है वो भी इसमें इन्वॉल्व होगी, और ये गुजरात महसाना में हुआ है। एक और करंट अफेयर्स मैंने बताया जहां पे गुजरात महसाना का नाम इन्वॉल्व हुआ है, इंक्लूड हुआ है, कमेंट करके अगर आप बता सको तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। जुलाई अगस्त वाले करंट अफेयर्स को जिन्होंने देखा है उन्हें पता होना चाहिए, और आपको इससे आइडिया लगेगा कि एक बार वीडियो देखने से अगर आपको सारी चीज़ें याद रही है तो ठीक है, अदरवाइज दोबारा वीडियो को रिपीट करने में कोई बुराई नहीं है, वीडियो को दोबारा भी आप देख सकते हो, या फिर आप लिख के रखो, दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं आएगी आपको और आइडिया आपको मिल जाएगा। चलिए फिलहाल 83 की ओर बढ़ेंगे हम लोग, सॉरी आगे बढ़ते हैं 83 की ओर। एक्सरसाइज जीमैक्स, देखो जीमैक्स में आपको पहला नाम जो है जे का दिखेगा, यानी कि इससे आपको याद रखना है जापान, जापान के साथ ये हुआ है, कहाँ हुआ है, विशाखापट्टनम में, कहाँ हुआ है, विशाखापट्टनम में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराया गया है इंडिया और जापान के बीच में। हु हैज लॉन्च्ड सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम CIMS, किसने लॉन्च करा है, तो देखिए आरबीआई ने ये लॉन्च करा है, अच्छी बात है। आरबीआई के बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया, मुंबई, शक्तिकांत दास, ईच एंड एवरीथिंग, अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 हैज बीन रिलीज्ड बाय, किसने जो है इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट रिलीज करी है, देखिए ऑप्शन डी UNCTAD। देखो ये FDI के बारे में बात करती है, FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो बाहर से पैसा किसी कंट्री में, जैसे इंडिया में अभी जैसे मान लो स्विगी जोमेटो है, ये कंपनीज को बाहर वाली कंपनी फंड करेगी, इसे और बड़ा बनाएगी, तो इसे बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गई बात। एशिया में देखिए टोटल जो है $662 बिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट आया है FDI के द्वारा, यानी कि यूरोपियन कंट्री या अफ्रीकन कंट्री जो है ने जो है यहाँ पे पैसे डाले हुए हैं, और ये 10% घट गया है। किसकी बात हो रही है, एशिया में जो है 10% ये घटा है, लेकिन प्राउड फील कीजिए कि इंडिया में ये 10% बढ़ गया है, भले एशिया में 10% घटा है लेकिन इंडिया में जो है 10% ये इंक्रीज कर गया है, ऊपर उठ चुका है। और इंडिया में कितने बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई है, 49.3 बिलियन जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिया में इन्वेस्टमेंट आई हुई है। आगे बढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
इंडियन टीम के जो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन है वो कौन है? उनका नाम है अजीत अगरकर। मुंबई के ये खिलाड़ी हैं और ये फास्ट एक्चुअली ऑलराउंडर ये थे, बहुत सारा इन्होंने सेंचुरीज भी लगाया टेस्ट में और वनडे में भी, तो ये ऑलराउंडर थे और करंट सिलेक्शन टीम के ये अध्यक्ष भी हैं। सी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। ब्रिटेन प्रेजेंटेड एलिफेंट फैमिली इन्वायरमेंटल अवार्ड, किसे ये अवार्ड दिया गया है? बड़ा है, प्यारा सा सवाल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो कार्तिके गोंसाल्विस, इनको ये अवार्ड मिला हुआ है। याद रखिएगा द एलिफेंट विस्पर्स, आपने नाम सुना होगा इसको, जो है इसे जो है ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है। आप जो है नेटफ्लिक्स पे ये शायद मूवी मिल जाएगी, मैंने अभी तक नहीं देखा, मैं देख लूंगा इसे या फिर टेलीग्राम, तो सॉरी पायरेसी को प्रमोट नहीं करना है, सॉरी फॉर दैट। आप नेटफ्लिक्स पे जाकर देख सकते हो पासवर्ड शेयर करके। आगे देखिए 88 की ओर। इंडियाज फर्स्ट पुलिस ड्रोन यूनिट, यानी कि ड्रोन जो हवा में, आपने मैरिज वगैरह में देखा होगा ड्रोन शॉट लिया जाता है वीडियोग्राफी के लिए या फिर पिक्चर के लिए, तो ये जो पुलिस ड्रोन यूनिट है वो किस सिटी में लाया गया है? इसका सही जवाब है चेन्नई। चेन्नई यूनिट ने जो है ये अब जो है ये क्या करेंगे, अलग अलग जगहों पे सर्विलांस के लिए जो है डिटेक्शन करेंगे, कौन ट्रैफिक रूल को वायलेट कर रहा है उन्हें ये पकड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे 89 की ओर। विच सिटी होस्टेड स्टार्टअप 20 सीकर, मैंने कहा ना जो WTO है स्टार्टअप है, ये सारे जो है आपको G20 के अंतर्गत ही मिलेंगे। Y20 है, Youth 20 है, ये सारे चीज़ आपको मिलेंगे। मैंने अभी आपको बताया था ना कि शहरों का जो समिट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था अहमदाबाद में, लेकिन यहाँ पे स्टार्टअप की बात पूछी गई है, तो स्टार्टअप का आंसर है गुरुग्राम। याद रखिएगा गुरुग्राम बी का जो है सही जवाब हो जाएगा। विच कंट्री बिकम द फर्स्ट कंट्री टू बैन प्लास्टिक प्रोड्यूस बैग एट सुपरमार्केट, ये क्वेश्चन भी मैंने पहले पढ़ाया है आप लोगों को, प्लीज़ भूलना मत। इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने अपने ग्रोसरी स्टोर और अलग अलग जगहों पे जो प्लास्टिक है उसे बंद कर दिया है। तो ये थे करंट अफेयर्स, आगे और भी करंट अफेयर्स आपको मिलते रहेंगे। वीडियो यहाँ तक देख लिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार जय हिंद प्यार से जरूर लिख दें। और कर्नल बहुत सारे जो कल जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ हुआ है उनके परिवार को संतावना है, आप दुख बांट नहीं सकते हो किसी का, किसी के घर में किसी की मौत हो जाती है तो वो परिवार ही समझता है कि उसकी कितनी कमी उसे खल रही है, देश को भी उनकी कमी खल रही है, और इस दुख में हम सभी आपके साथ हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और कोई प्रमोशन आज नहीं होगा। वीडियो को यहाँ तक देख लिया आपने, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।